दोस्तों, टैक्सीसीटीवी में ही आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है हमारे पास सीपी प्लस का CPUNR108F1NVR। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें देखेंगे इसके अंदर क्या है, और साथ में आपको बताएंगे कि इसमें हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल करते हैं। चलो हम ये खोल लेते हैं इसे। इसके अंदर खोलने पर एक आपका एनवीआर निकलेगा, ठीक है, और कुछ इसमें माउस केबल्स हैं और एक यूज़र मैनुअल भी निकलता है, वो मैंने पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमें मिलता है वो हमें एक तो माउस मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, और कुछ स्क्रू मिलेंगे हार्ड डिस्क के, और एक लैन केबल मिलती है, और इसमें एक साटा केबल और दूसरी एक हार्ड डिस्क की पावर केबल मिलती है, और एक मिलता है इसमें अडेप्टर। ठीक है, अब हम इसे बैक से दिखाते हैं। इसके अंदर एक तो आपको पावर पॉइंट मिलेगा, एक लैन पोर्ट, एक VGA, एक ऑडियो इन और एक ऑडियो आउट मिलेगा, एक HDMI पोर्ट, एक USB पोर्ट और एक USB पोर्ट आपको आगे की तरफ मिलेगा इसमें, और कुछ इंडिकेशन भी मिलेंगे आपको इसमें लैन के और पावर का तथा हार्ड डिस्क का। ठीक है, तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास एक हार्ड डिस्क जो है 4 TB की। इस हार्ड डिस्क को हम इसमें लगाएंगे, तो कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना जो NVR है इसे ओपन कर लेना है। वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, तो मैं ओपन कर देता हूँ इसे। ठीक है, इसे ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर एक छोटा सा मदरबोर्ड है, ठीक है, और ये दो केबलें हैं, ये आगे का जो इंडिकेशन वगैरह उसके लिए जा रही है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कनेक्टर लगाना है। ये जो कनेक्टर वाइट वाला है इसे इस वाइट वाले में ही लगाना है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क की पावर का है, और जो ये दूसरा है ये है साटा केबल जो हार्ड डिस्क का डेटा का काम करता है, तो इसे भी मैं आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक ही स्लॉट है, इसमें ये देख सकते हैं आप, यहां लगाना है आपको। ठीक है, ये हमने इसमें लगा दिया है। अब हमें लगानी है इसमें हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में आप देखेंगे कि इसमें एक साटा का है और एक पावर का है, ठीक है, तो इसमें हमें ये लगानी है। सबसे पहले हम लगा देते हैं इसमें साटा की केबल, और दूसरी लगा देते हैं हम इसमें पावर की केबल, जो इसमें कट दिए होते हैं इस कनेक्टर के अंदर उस हिसाब से ये लगानी है। उसके बाद इसे ऐसे रखना है और फिर ये स्क्रू लेने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद आपको जो ये जो NVR है इसे हमें उल्टा कर लेना है, और इसमें जो स्क्रू के या जिसमें स्क्रू लगता है हार्ड डिस्क के अंदर उनको मैच कर लेना है। ठीक है, मैं मैच करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे इस तरह से आपको ये मैच कर लेने हैं और ये स्क्रू आपको लगा देने हैं। ठीक है, पहले एक स्क्रू लगाना है फिर दूसरा लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रू लगाते टाइम आपको स्क्रू क्रॉस में लगाने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर लगा दिए, आप क्रॉस में लगाएंगे तो एक्यूरेट ये हार्ड डिस्क बैठेगी इसमें। ठीक है, मैं कस देता हूँ सारे स्क्रू। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी वीडियो देखते रहें।
ठीक है। इस तरह से आपको ये हार्ड डिस्क लगा देनी है, कनेक्टर वगैरह लगा देना है, और फिर आपको ये कवर जो है वो वापस लगा देना है, ठीक है। तो आपका जो NVR है वो रेडी हो चुका है चलने के लिए। ये कवर आप ठीक से लगाएं और स्क्रू को वापस कस दें। जिस तरह से आपने हार्ड डिस्क इसमें इंस्टॉल करी है, ऐसे ही आपके और डिवाइसों में भी ऐड होती है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसे कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।